अस्सलामुअलैकुम, गुल मीरा की किचन खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पैटिस, बॉक्स पैटिस। तो ये बहुत कम से कम खर्च के अंदर बन के तैयार होते हैं। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिए, मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। और ये कम से कम खर्च में जो घर में चीज़ें होती हैं, मैं इसके बना के आपको दिखा रही हूँ। ये घर में आलू होते हैं, ये तकरीबन मैंने 3 मीडियम किस्म के आलू ले लिए और इसको अच्छे तरीके से मैंने मर्ज कर लिया है, बिल्कुल बॉयल करके। और इसको इस स्पैचुला की मदद से मैंने अच्छे तरीके से इसको दबा दबा के, अब ये मैंने कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ, लाल मिर्ची है और नमक हसबे ज़ायका, हल्दी है, ये मैंने इसमें 4 मसाले डाल रही हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इतने सारे बन जाते हैं कि पूरी फैमिली माशाल्लाह खा लेती है। तो ये है कि इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए चॉप करके, बिल्कुल बारीक प्याज है ये, वो मैंने काट के। इसमें हरा धनिया नहीं है तो भले आप पुदीना भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने हरा धनिया इसमें डाला है और ऊपर से हरी मिर्ची मैंने डाली है। ये है कि नमक मिर्ची जो भी अपने आपके हिसाब के मुताबिक आप रखिएगा, बहुत से लोग कम खाते हैं, बहुत से लोग ज़्यादा खाते हैं। तो ये मैंने सही जैसे होना चाहिए मैंने इतनी मिर्ची रखी है इसमें। इसको दबा दबा के हम अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेंगे। अब मैं लूँगी ये समोसा पट्टी, ये हर जगह दस्तियाब है, आप चाहें तो घर में भी इसको आसानी से बना सकते हैं। मैंने पिछले चैनल पे मैंने रेसिपी दी है ये, उसमें आप देखिएगा। तो ये कि इसमें हमने समोसा पट्टी ले ली है। अच्छा, मैंने दो चमचे मैंने मैदा लिया था, उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया प्याली में, ताकि इसके साथ लगा के इसको बेंड करना है तो ये चिपकने में आसानी रहती है इससे, और बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं ये। अब एक पट्टी इसके ऊपर लगा दूंगी मैं इस तरीके से, और बीच में हमें जो आलू का जो मसाला मैंने बना के रखा था ये इसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद में इसको हम कोनों के साथ बिल्कुल मिक्स करेंगे ऐसे करके, फिर दूसरा कोना इसमें हम दबा देंगे। वो कोने लाजमी दबाना क्योंकि इसमें ऑयल चला जाता है तो फिर हमारा सारा ख़राब हो जाता है पूरा पैटिस। तो इस तरीके से हमें कोने दबाना है। अब आसपास में दोबारा लगा रही हूँ ये, तो ये है कि इसमें लगा के और हमें इसके अंदर भी इसे कोने दबाना है। इसको हमें पहले एक तरफ से उठाएंगे, इसको इस तरीके से हम दबा देंगे। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। और ये रमज़ान की स्पेशल डिश है ये, समझें, रमज़ान भी है समझो, और बहुत अच्छे लगते हैं रोज़े के टाइम। ये दूसरा बना के मैं दिखा रही हूँ आपको, ये समोसे और ये इस टाइप की चीज़ें नहीं होती तो दस्तरखान भी सूना लगता है। तो रमज़ान में तो ये ख़ास तौर पे चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये देखें, ये दूसरा मैंने बना के आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। ये आप देखें इस तरीके से बनेगा। अच्छा, एक बात और है कि आप अगर चाहे तो लंबे अरसे के लिए इसको रख भी सकते हैं शॉपर में करके, ज़िप शॉपर आते हैं ये, इसमें आप ये पूरे महीने का भी इसमें बना के आप इकट्ठा एक साथ रख सकते हैं। अब मैंने जो है ना ऑयल लिया है, नॉन स्टिक मेरे पास फ्राई पैन है, ये मैंने इसमें डाल दिया। और हल्की आंच के अंदर मुझे इसको फ्राई करना है, तेज़ आंच नहीं करना है क्योंकि तेज़ आंच में जल जाएंगे और फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो मैं बिल्कुल हल्की आँच के अंदर इसको करना है, तो हमें अच्छे तरीके से इसको सेकना है ताकि हल्की हल्की आँच में सिकते रहेंगे। इसको आहिस्ता से हम चमचे से हिलाते रहेंगे, ऊपर तेल डालते रहेंगे इसके ऊपर ताकि अच्छे तरीके से हमारा ये सिक जाए। अब इसको पलट के भी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये मैंने पलट दिए हैं और ये हमारे बिल्कुल क्रिस्पी आलू पैटिस बन के तैयार हो गए, बॉक्स पैटिस, और बहुत अच्छे बने हैं ये। इसका बिल्कुल ऑयल इसमें जाले में निकाल देंगे इस तरीके से, ये देखिए मैंने आपको सामने दिखाया है, और बहुत अच्छे क्रिस्पी बने हैं। और माशाल्लाह घर में बनते हैं तो काफ़ी बरकत हो जाती है इन चीज़ों में, पूरी फैमिली आराम से खा लेती है और दिल भर के। तो ज़रूर ज़रूर आप बनाइएगा इस तरकीब से। और कोई भी ने बाहर की चीज़ इसमें नहीं डाली है, रोल पट्टी भी आप जो ना समोसा पट्टी भी आप घर में बआसानी बना सकते हैं मैदे की। और यही कि सब घर की चीज़ें आलू हैं, मसाले हैं, और बहुत अच्छी माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा।
और बहुत अच्छे बन के तैयार होएगी हमारी स्पेशल रमज़ान की सौगातें। तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा मिक्स मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ, ये देखें ये ऐसे हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो ठीक है जी, आप मुझे इजाज़त दीजिए गुल मेरे पी किचन को नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।